दोस्तों मैं वहाँ पे डॉक्टर ऑल इन वन के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। ये किचन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इसकी डायमेंशन भी मैं आपको बताऊंगा, इसका साइज यानी कि किस साइज में ये किचन बना हुआ है। दूसरे नंबर पे प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें इंस्टॉल की है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना, स्किप नहीं करना है, ताकि डिटेल में आपको सारी चीजें जो है सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। आजकल सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं जो आप वीडियो देख के भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है, इससे काफी आइडियाज आपको मिल जाते हैं, काफी चीजें आपको सीखने के लिए मिल जाती हैं। फिर भी कोई चीज की समझ ना आए तो ऊपर स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा, तो आप मेरे नंबर पे किसी भी टाइम जो आप रब्ता कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, इसके सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन बता दूं। ये जो है 10x5 का किचन है, 10 फीट इस तरह है और 5 फीट इस तरह है। और इसमें जैसे बड़े किचनों में जितनी एक्सेसरीज लगती है, टोटली इसमें हमने छोटे किचन में वही एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल की है। इसमें टॉल यूनिट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हाइड्रोलिक का टच भी दिया है, उसके अलावा एल्यूमिनियम का टच है, और इसमें ये होल्ड इंस्टॉल की है। इसमें जो है ये हॉब है ठीक बनने वाला। ये सारी चीजें जो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ और टाइम पीरियड में बताऊंगा ये कितने टाइम पीरियड में तैयार हो गया। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको टॉल यूनिट की तरफ लेके चलता हूँ। किचन के हिसाब से हाफ एंड टॉल यूनिट इंस्टॉल किया है। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी लुक है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ इसमें कितनी बास्केट होती है हाफ टॉल यूनिट में। ये आप देखें, ये जैसे मैंने ओपन किया, ये कैमरा मैन मेरा दिखाया करीब से, तो इसमें ये 4 बास्केट इस साइड पे है और 4 बास्केट अंदर वाली साइड पे है। इसमें यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें एडजस्टमेंट का भी हिसाब होता है, इसमें एडजस्टमेंट भी होती है, इसमें इसको अप डाउन भी कर सकते हैं हम। फिर ये बास्केट्स ये आप अपनी मर्जी से इसको जो है अप डाउन कर सकते हैं। तो इसमें काफी चीजें जो आ जाती हैं, ये बहुत आइडियल यानी कि ये टॉल यूनिट लोगों का फेवरेट है और तकरीबन हमारे सारे किचनों में ये लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं, सारे दोस्त ये पसंद कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमने जो चेंजिंग की है। पहले आपने किचन देखे हैं, उसमें हमने एजेस जो लगाए हैं वो स्टेनलेस स्टील के ट्रिम के लगाए हैं, और इसके हमने एजेस लगाए हैं जो सेम जो शीट के साथ यूवी के साथ मैच किए हैं। इसमें आप कोई भी कलर चूज करें तो हम सेम उसके साथ मैच कर सकते हैं, बिल्कुल जो है कंपनी फिटिंग ये करते हैं। तो बहुत जबरदस्त इसकी लुक आती है। ये सारे यूरोपियन बाकी कंट्री में सारे जी इसी तरह के चलते हैं, सेम जो एजेस लगते हैं जिस तरह की शीट होती है। तो मजीद आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे देखते हैं। ये 2 डोर इस साइड पे दिए हैं हाइड्रोलिक, ये दोनों डोर है, ये फर्स्ट है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, और ये यूवी शीट में दिया है। इसके ऊपर हमने एल्युमिनियम का टच दिया, और ये ग्लास देखे यानी कि पहले किचनों में आपने देखा है हमने मर्करी ग्लास इस्तेमाल किया, उसके बाद प्लेन किया है, इसमें हमने ग्रे का टच दिया है। इसमें थोड़ी सी लुक चेंज की है, ग्रे का टच दिया ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो। और ये इसमें हाइड्रोलिक जो हमने सिस्टम लगाया है, ये सारा आप देख लें जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम SMC के ये शॉप वगैरह लगाते हैं हाइड्रोलिक जितना सिस्टम है, इसी तरह इसके कब्जे वगैरह वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हम यूज करते हैं। ये करीब से ये दिखा रहे हैं कैमरे में, ये आप देखें ये 120N के हम यूज करते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और काफी देर तक ये चलते हैं। तो ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग भी बड़ी जो है ना सॉफ्ट तरीके से होती है। अच्छा दोस्तों, तो इस साइड पे है ये जो 5 फीट वाली साइड है, जो है इस साइड पे है, तो ये 2 डोर इस साइड पे दिए, ये आप देख सकते हैं, और ये सेंटर में एक शेल्फ दी है, और कॉर्नर में भी इसमें काफी स्पेस आपको मिल जाएगा, काफी चीजें आपकी यहाँ पे भी जो है ना इजिली आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रहा था ये आपको, ये हाइड्रोलिक जो है ना इसमें सिस्टम जो है ना उसका यही होता है कि आप डोर यही पे छोड़े तो ऑटोमेटिकली ये बंद होंगे, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रुप वगैरह हर चीज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लगाई गई है। और ये जैसा कि आपको मैंने बताया, ये हैंडल काफी 3-4 किचनों में हम ये लगा रहे हैं, क्रोम के हैंडल है, ये बड़े खूबसूरत लुक देते हैं। ये आप देखें करीब से जो है ना, अगर दिखाए कैमरा, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि हार्डवेयर हमेशा जो है आप किचन किसी से भी बनवा रहे हैं, हार्डवेयर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करें, क्योंकि ये रूटीन में किचन चलने होते हैं, रूटीन में इनका इस्तेमाल होता है, तो जितना अच्छा हार्डवेयर होगा उतना लॉन्ग टर्म ये चलेंगे। तो इसके साथ आ जाए, ये आपको एक ओपन बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे, इसमें हमने जो है ये 2 बॉक्सेस बनाए हैं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई भी पानी की बोतलें वगैरह डेकोरेशन पीस आप रख सकते हैं, ये खूबसूरती के लिए है, ताकि जो है किचन आपका बहुत ज्यादा जो है ना वो लुक वाइज खूबसूरत लगे। उसके बाद आए इस तरफ जो है सेंटर में, मैं होटल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये हमने इसका होटल लगाया, ये आप देख सकते हैं ये टोटली जो है वो टाई सिस्टम है, ये यहाँ पे इसको मैंने ऑन किया, ये इसकी लाइट का फंक्शन है, बाकी इसकी जो है स्पीड वगैरह होती है, तो ये टाई सिस्टम है, ये ऑन ऑफ जो होता है, ये सेंसर भी इसमें लगे हुए हैं, तो ये काफी इसकी अच्छी जो है वो एग्जॉस्ट करने की जो है ना इसकी क्वालिटी होती है, वो आप देख सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद नीचे की तरफ आए तो ये हॉब मैं दिखाता हूँ, ये आप देखें ये 3 बर्नर वाला हॉब लगा हुआ है, ये रेस का जो है, अक्सर जो है मेरे किचनों में आप रेस का ही हॉब देखते हैं,
तो ये इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी, इसकी नॉब्स वगैरह जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी की, और ये बहुत लॉन्ग टर्म ये चलने वाला है। ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, ये नहीं कि मैं ब्रांड की कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ये हमने यूज किए हैं, इसका एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये हो गया, उसके नीचे वाली साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे वाली साइड पे हमने इसको किस तरह किया है। ये दो टॉल यूनिट बने हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये स्पाइस रैक इस साइड पे, ये एक स्पाइस रैक इस साइड पे, ये तो हमने ब्रांड के लगाए हैं और ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के, इनके चैनल बड़े। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, इनकी सफाई थोड़ी रखनी पड़ती है, डस्ट वगैरह से इनको बचाना पड़ता है, हाइड्रोलिक जितना सिस्टम है इसको डस्ट वगैरह से जितना बचाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसको क्लोज किया, ये ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो रहे हैं दोनों साइडों पे, ये स्पाइस रैक आ गई है। उसके बाद ये तीन ड्रॉर है जैसा कि आप देखते हैं सारे किचनों में हमारे, और ये इसमें एक छोटा सा कटलरी ट्रे है, जिस तरह का ये किचन स्मॉल है तो इसी तरह स्मॉल साइज में ये कटलरी ट्रे लगाया गया है। यहाँ पे आप चम्मच वगैरह या कोई और चीज़ें छोटी मोटी आप रख सकते हैं, जो आपको कुकिंग के टाइम जो है वो कैरी करने में आसानी रहती है। तो ये तीन रो आ गए, ये स्पाइस रैक आ गए, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये इसमें एक्सेसरीज थी, एक टॉल यूनिट जो मैंने आपको दिखाया है, ये इस साइड पे जो है ये टॉल यूनिट आपको मैंने दिखा दिया है, ये हो गया। तो जिस तरह ये किचन, यानी कि 10x5 का ये किचन है, उस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग, इसकी हर चीज का, स्पेस का, हर चीज का हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ख्याल रखा है। तो इस साइड पे है ये अप्लाइंसेस का यूनिट है, यहाँ पे जो है अभी इसमें जो है माइक्रो बेंटिंग ओवन वगैरह सारा कुछ इसमें इंस्टॉल होने, ये बॉक्सेस हमने बना दिए हैं, वो हमारे पास अभी अवेल नहीं था अप्लाइंसेस, तो इसलिए वो अभी इंस्टॉल नहीं है। तो ये बॉक्सेस उसका ऑलरेडी हमने, जो उसकी पैमाइश होती है, जो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है, वो हमने ऑलरेडी जो है इसका कर दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ ला के जो है वो इंस्टॉल करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं टोटली मैंने आपको लुक बता दी है इस किचन की, और अब आते हैं इसकी जो है कास्ट की तरफ। तो पहले मैं आपको मेजरमेंट का तरीका बता दूं, क्योंकि काफी दोस्त सवाल करते हैं कि आबिद भाई इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, और मैं तकरीबन कोशिश करता हूं हर वीडियो में आपको इसकी मेजरमेंट बताऊं। तो इसकी पैमाइश बिल्कुल सिंपल सी है, इसकी लंबाई जितनी भी ये इसकी लंबाई है स्लैब की काउंटर की, आपने वो पैमाइश करनी है, और हाइट इसकी 2.5 फीट, 2.5 फीट ये नीचे वाले कैबिनेट है, यानी कि लंबाई अगर 10 फीट है, 10 फीट को 2.5 फीट से करेंगे आप, तो ये आपकी जो है वो पैमाइश निकल आएगी। उसके बाद ऊपर वाली साइड पे हैं, तो इसी तरह जो है इसकी लंबाई और इसकी हाइट 2.5 फीट इस तरह पैमाइश करते हैं, 2.5 फीट ये, 2.5 फीट ये, 5 फीट इसकी जो पैमाइश हम सिर्फ कैबिन की पैमाइश लेते हैं। अक्सर जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई ब्रांड कई कंपनियां जो है कर रही काम, तो वो टोटली पूरी पैमाइश लेते हैं, हम सिर्फ कैबिनेट की पैमाइश लेते हैं, जहां जहां में हमारे कैबिनेट और कैबिनेट की ही पैमाइश होती है। इसकी पैमाइश 10x5 या 10 को जो है 5 के साथ आप जो कहें, तो ये 15x15 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये तकरीबन 75 फीट बन जाता है। तो ये 75 फीट का ये किचन है, इसमें आप अगर अप्लाइंसेस का यूनिट लगा लें तो ये तकरीबन 8 से 10 फीट इसका बन जाता है। तो टोटली तकरीबन इसकी पैमाइश आप लगा लें 85-90 के राउंड अबाउट इसकी पैमाइश होती है। तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप रेट में आपको बताता हूँ, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2800 रुपया इसका रेट है, 2800 रुपये के हिसाब से हम ये करते हैं पर स्क्वायर फीट में। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपने किचन बनवाना है तो हम बना के दे रहे हैं, और विदन ये 2 से 3 डेज में, 2 से 3 दिन में हम ये किचन कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको किचन की दिखा दी है, आई होप कि आपको ये किचन अच्छा लगा है, जो है अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया। किसी ने किचन बनवाना है तो वो आप हमसे जो है वो तैयार करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुकिंग पहले से करवानी पड़ेगी, क्योंकि काफी ज्यादा किचन होते हैं, फिर उस हिसाब से मैं आपको टाइम जो है ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अपना और दूसरा का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।